अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो देखी, आज हम डायमंड इफेक्ट वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर इस तरह की वीडियो आप एडिटिंग करना चाहते हैं अपनी वीडियो पर या पिक्चर्स वगैरह पर, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती जाए। तो वीडियो एडिट करने के लिए हमें कैपकट ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आपने प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आप इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो ऐड कर देता हूँ। वीडियो ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस शो करेगी। इसके बाद आपने वीडियो के लास्ट में आ जाना है, तो यहाँ आपको कैपकट का वाटर मार्क मिल जाएगा। आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का, आपने यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। वहाँ अपनी वीडियो के ऊपर साउंड को ऐड कर देते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ऑडियो, तो आपने यहाँ क्लिक करना है। साउंड में जाना है आपने। साउंड में जाके यहाँ से आप वीडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका साउंड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहां से अपनी गैलरी में से भी वीडियो को उठा सकते हैं। तो यहां से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं वीडियो को। तो एक्सट्रैक्ट वीडियो में जाता हूं, यहां से अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं जिसका साउंड मैंने यूज़ करना था। जैसे कि मैंने वीडियो एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ में फर्स्ट में वीडियो मिल जाएगी। इसे आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जो हमारी साउंड है वो इसमें ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपने अपने जो साउंड यूज़ करना है उसको आपने सेट कर लेना कुछ इस तरीके से कि आप इसे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट में, आप इसे ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि दरमियान का कोई हिस्सा यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने दरमियान में वाइट क्रिस्टल लाइन लेके आनी है और यहाँ से आपने स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करेंगे तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। फर्स्ट वाले को आप डिलीट कर सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसे डिलीट कर देना। और सिंपल जो आपका साउंड है उसे आपने फिंगर की मदद से मूव करना है और आगे लेके आना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपका जो साउंड है वो इधर स्टार्ट हो जाएगा। आपने सुन लेना और आपने चेक कर लेना कि साउंड सेट है कि नहीं है। तो अपने जो साउंड है उसे सेट करने के बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इफेक्ट में जाना है, वीडियो इफेक्ट में जाना है। वीडियो इफेक्ट में आप चले जाएंगे तो यहाँ से आपको बेसिक का ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रेंडिंग के बाद बेसिक का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट में ही अगर आपके पास डायमंड जूम वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आपने अपने जो कैप कट है उसे अपडेट कर लेना है। अपडेट करेंगे तो फिर आपके पास ये इफेक्ट आ जाएगा। तो आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें, मैं इसका साउंड ऑफ कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट का इशू नहीं है। ठीक है, लगाया, लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसके बाद नीचे हमें एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। एडजस्ट में हम जा सकते हैं, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका साइज़ ज़्यादा नज़र आए, कम नज़र आए, कुछ इस तरीके से। देखें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से। तो जहाँ आपने रखना चाहते हैं आप वहाँ रख सकते हैं। इंटेंसिटी इसकी है कि आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। जहाँ रखना चाहते हैं आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है इसकी स्पीड है, स्पीड भी आप इसकी चेंज ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसका लास्ट में हॉरिजॉन्टल, ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा आपका। तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जहाँ आपने सेट करना है आपने वहाँ इसे ओके कर देना। वीडियो को सिलेक्ट करना है और सेपरेट कर देना। सेपरेट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर एक एमिनेशन ऐड कर देनी। एमिनेशन में जाके आपने इन में जाना। इन में जाके यहाँ आपको बहुत से, ये देखें, कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे इफेक्ट वाला। तो आपने यहाँ से इन एमिनेशन में से कोई भी एमिनेशन लगा देनी है। तो इसके बाद ये देखें, आपकी जो वीडियो है यहाँ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसके बाद एमिनेशन आ गई, उसके बाद आपने एक इफेक्ट में जाना है, दोबारा वीडियो इफेक्ट में जाना है। और यहाँ से आपने स्टार में चले जाना है या फिर पार्टी में। पार्टी में आपको बहुत से इफेक्ट मिल जाएंगे। तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके के, ये देखें, एडिटिंग के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ये सेकंड इफेक्ट है, आप इसे यूज़ कर लें। ये दरमियाना है और ये आप इस तरीके से ज़्यादा इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं या फिर इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सेकंड वाला बेस्ट है। इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाके इसकी स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसकी स्पीड जो स्लो हो कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से नज़र आएगा। आप चाहते हैं कि स्पीड फुल हो, तो आप फुल भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके कर देने और इसको अपनी फुल वीडियो के ऊपर आपने अप्लाई कर देना कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल से आपकी वीडियो तैयार होगी। मैं आपको चला के भी दिखा दूँ। ये देखें, आपकी जो वीडियो है फर्स्ट में उसमें डायमंड इफेक्ट
ऐड हो गया, उसके बाद जो आपकी एमिनेशन आ गई, एमिनेशन के बाद इफेक्ट है वो भी ऐड हो गया, आपकी वीडियो रेडी हो गई। सिंपली आपको ऊपर एरो का निशान मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी, आपकी गैलरी में आ जाएगी एक्सट्रैक्ट होने के बाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।